हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। तो आज हमारे सामने है स्कॉर्पियो एन, जो कि है अपना टॉप मॉडल, जो कि है ZL इसका टॉप मॉडल है। आज इसका रिव्यू करेंगे, कंप्लीट रिव्यू इसका देंगे। इसमें आप बात करेंगे हम गाड़ी के टोटल स्पेसिफिकेशन की, गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर और इसके माइलेज और इसके सेफ्टी फीचर्स सभी को इसमें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आप वीडियो पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर अपने को क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है गाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी का कुछ इस तरीके का मैसिव लुक प्रोवाइड करता है अपने को, जो बिल्कुल बिग डैडी एसयूवी के नाम से ही जानी जाती है गाड़ी। तो पूरा बिग डैडी एसयूवी वाला लुक भी प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने। तो सामने अपने को जो इसमें मिल जाता है वो होता है इसका प्रॉपर ह्यूज साइज ग्रिल, जो कि एकदम प्यारा सा ग्रिल है, जिसमें आपको मिल जाता है न्यू जनरेशन महिंद्रा लोगो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प आपको मिलती है प्रोजेक्टर हाई बीम और LED सेटअप के साथ में। साथ ही साथ इसमें ऊपर आपको आईब्रो टाइप का यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाता है, जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ आता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के नीचे। तो नीचे जो गाड़ी का जो प्रोफाइल है वो लगता है पूरा का पूरा एक बिग साइज, इसको जो बिग डैडी नाम दिया गया है उसके हिसाब से इसको पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहा है, जिसमें कि नीचे आपको मिल जाती है एक ग्रिल के साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे छोटा सा फॉग लैम्प, कह सकते हैं यार फॉग लैम्प भी है शायद मेरे ख्याल से ये। और इसी के साथ आपको यहाँ पे सी शेप में मिल जाता है एक टर्न इंडिकेटर, जो कि आपका डेलाइट DRL भी होता है। तो ये प्रॉपर इसका पूरा आगे से लुक है। साथ ही साथ एक चीज और आपको यहाँ पे मिलती है, वो मिलती है यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट कैमरा कह सकते हैं इसको, जो कि लोगों के जस्ट नीचे है, बिल्कुल एकदम आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपको कैमरा दिया हुआ है। फिट एंड फिनिश बहुत ही प्यारी की गई है गाड़ी की। साथ ही साथ नीचे आपको मिल जाता है एक सिल्वर पियानो फिनिश के साथ में, नीचे आपको एक स्ट्रिप मिल जाती है बम्पर में, जो कि इसकी जो लुक है उसको बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल फ्रंट का लुक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी का कुछ इस प्रकार का लुक अपने को प्रोवाइड होता है, जो कि इसको नाम दिया गया बिग डैडी एसयूवी। तो बिग डैडी एसयूवी वाला लुक भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, नाम के मुताबिक काम है गाड़ी के अंदर। और जो इसकी हाइट लेंथ और जो मतलब इसका मस्कुलर लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी, जैसे कि आप देखो फॉर्चुनर से ज्यादा बल्कि गाड़ी लगती है अपने को। तो बात करते हैं गाड़ी की लंबाई की। तो गाड़ी की लंबाई जो अपने को मिलती है वो यार 4662 mm चौड़ाई है, 1917 mm, और ऊंचाई की बात करें तो 1857 mm की इसमें आपको ऊंचाई मिल जाती है। और ये गाड़ी आती है अपना 2750 mm व्हील बेस के साथ में। और गाड़ी की बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल गाड़ी पूरी बल्कि और एकदम SUV लुक प्रोवाइड कर रही है। रूफ पे आपको मिल जाती है रूफ रेल, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इन्हेंस कर देती है। बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आपको मिल जाते हैं 18 इंचेस के एलॉय व्हील, साथ ही साथ ये मिलते हैं आपको डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ ये प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ बीच में आपको मिल जाता है महिंद्रा का न्यू जनरेशन लोगो, और ये चारों के चारों जो व्हील हैं ये आपको मिल जाते हैं पूरे डिस्क ब्रेक के साथ। साथ ही इसमें आपको ABS ABD जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। VM ORVM पे जो ये आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ में ये मिल जाती है LED सेटअप में। यहाँ पे कोई भी आपको 360 कैमरा वगैरह वाली जो फीचर है वो नहीं मिलता। ग्लासेस के ऊपर जो स्ट्रिप है ये पूरी बैक साइड से लेकर ऊपर तक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। साथ ही साथ नीचे आपको मिल जाता है फुट स्टेप। बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको मिल जाता है, वन टच आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपना फ्यूल फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी के बैक प्रोफाइल पर। सबसे ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, पीछे मिल जाता है आपको स्पॉइलर में ही आपको मिल जाती है एक स्टॉप बैकलाइट। नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं पूरे डिफोगर, रेन वाइपर आपको यहाँ पर मिल जाता है। जस्ट उसी के नीचे आपको मिल जाती है महिंद्रा न्यू जनरेशन लोगो, उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि बहुत ही प्यारी फिटिंग के साथ आपको प्रोवाइड होता है। दूर से देखने पे आपको दिखाई नहीं देगा कि आपको पीछे कैमरा लगा हुआ है। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आपको बैक डोर प्रोवाइड हो जाता है, जिसका हैंडल भी जो है वो भी इतना मैसिव लुक प्रोवाइड करता है। सेफ आपको बहुत ही प्यारी सेफ मिलती है लाइट की, इसमें पूरा LED सेटअप के साथ आपको मिलता है। और नीचे मिल जाता है आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है बैक स्टॉप लाइट, जाती है महिंद्रा न्यू लोगो की बैजिंग, साथ ही साथ यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है ड्यूल टोन कलर में रेड एंड सिल्वर फिनिश के साथ। नीचे आपको मिल जाते हैं दो रिफ्लेक्टर, मिल जाता है क्रैश गार्ड, जो कि इसके साथ ही आपको प्रोवाइड होता है। बात कर लेते हैं बैक साइड बम्पर पे। तो बैक साइड बम्पर पे देख रहे हो आप क्रोम पियानो फिनिश का काम किया गया है, जो कि पूरा का पूरा इसके लुक को और ज्यादा इन्हेंस कर रहा है। भाई ये है इसका गाड़ी का पूरा बैक प्रोफाइल। तो बैक प्रोफाइल से गाड़ी एकदम मैसिव लुक प्रोवाइड कर रही है। भाई ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बिग डैडी SUV का एक्सटीरियर लुक।
तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं बिग डैडी इंटीरियर में अपने को क्या क्या फीचर प्रोवाइड कर रही है। की अपने को इस तरीके से प्रोवाइड होती है जो कि न्यू जनरेशन की है, जिसमें आपको मिल जाता है महिंद्रा का न्यू जनरेशन लोगो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अपने फीचर्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, बूट जो ओपनिंग है वो भी आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है इसका प्यारा सा की। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है यहाँ पर ड्राइवर साइड पर, तो अगर आपके पास ये गाड़ी है तो रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करेंगे और ये गाड़ी ओपन हो जाएगी। डोर पैनल आपको ड्यूल टोन कलर में मिल जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर लेदरेट फिनिश के साथ में कॉफी कलर मिल जाता है और ऊपर आपको हार्ड टॉप मिल जाता है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जो कंट्रोल मिल जाते हैं इसमें आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, चारों विंडो आपको पावर अनलॉक लॉक का बटन मिल जाता है, ORVM अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और मूवेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो मिल जाता है वो मिल रहा है आपको पियानो फिनिश के साथ में, सिल्वर फिनिश के साथ। ह्यूज साइज हैंडल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि गाड़ी है बिग डैडी SUV, तो उसके जस्टिफाई करने के लिए एक बिग हैंडल आपको प्रोवाइड होता है, जो कि आपको सिल्वर पियानो फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सोनी के बूफर, और इसके अंदर गाड़ी में आपको मिलते हैं 12 स्पीकर जो कि आते हैं सोनी सेटअप के साथ में, एक स्पीकर आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी में जो स्पेस में, स्पेस के नाम पर डोर पर आपको मिलती है एक 1 लीटर बोतल होल्डर, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना रख सकते हैं थोड़ी कोई भी फाइल वगैरह अपना कैरी कर सकते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल डोर का सेटअप। मैं चढ़ने के लिए देखिए क्या है कि सबसे पहले तो गाड़ी ह्यूज साइज गाड़ी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ग्रैप हैंडल दिया गया है, जिसे पकड़कर आप इजीली अंदर एंटर कर सकते हैं। एंटर करने से पहले नीचे आपको मिल जाती है यहाँ पर स्कॉर्पियो N की बैजिंग स्ट्रिप, और साथ ही साथ चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठ के बात करते हैं गाड़ी में आपको फ्रंट में क्या क्या चीजें हमको प्रोवाइड करती है महिंद्रा बिग डैडी SUV। भाई देखिए इस समय आ चुका हूं मैं गाड़ी के अंदर, तो यह है गाड़ी का अंदर का ओवरऑल डैशबोर्ड। तो एक प्रीमियम डैशबोर्ड प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने अपना बिग डैडी SUV के अंदर, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो N, जो कि एक लग्जरी फीचर प्रोवाइड करता है, एक लग्जरी लुक दे रहा है गाड़ी के अंदर। तो देख लीजिए भाई किस तरीके का अपने को ये लुक प्रोवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड कितना प्यारा लग रहा है। बात कर लेते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे जो है आपको लेदरेट फिनिश के साथ में स्टेयरिंग प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पे आपको मिल जाती है एयरबैग की बैजिंग। यहाँ कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना कॉल बटन ड्रॉप एंड पिक कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल सेट करने का बटन यहाँ मिल जाएगा आपको, रिज्यूम का बटन मिल जाएगा, कुछ मेमोरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और कुछ फेवरेट के बटन मिल जाएंगे। तो यह इसका ओवरऑल प्यारा सा स्टेयरिंग, जिसमें कि नीचे की तरफ आपको यू शेप में मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ में, आपको यहाँ पे मिल जाता है पियानो फिनिश के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रहा है। रेन वाइजर के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, और अपना लाइट थ्रो का कंट्रोल यहाँ से आपको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड में, तो यहाँ पे आपको प्यारा से एक पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, जिससे आप अपना गाड़ी को कीलेस एंट्री के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। अपना गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मिल जाती है एक महिंद्रा की, इसको आपको अपना रखना है कैरी कर लेना साइड में। यहाँ कैरी करने के बाद में आप अपना गाड़ी का स्टार्ट बटन जो है उसको पुश करेंगे, ये है इसका स्टार्ट बटन, इसको पुश करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट हो गई है गाड़ी को, मैंने कर लिया स्टार्ट। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है गाड़ी में वो पूरा का पूरा आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि आपको साइड में मिल जाता है RPM मीटर, यहाँ मिलता है आपको स्पीडोमीटर, टाइम यहाँ पे आपको दिख जाता है, और ड्राइवर अटेंशन लेवल यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाता है, और डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितने डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं, कितने टाइम में आपने कवर किया, एवरेज वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का इंडिकेशन मिल जाता है, डोर अगर आपके ओपन है वो यहाँ से आपको पता चल जाएंगे, और यहाँ पर आपको फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है रिमेनिंग, गाड़ी पार्किंग में है या अपना ड्राइव मोड पे, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको प्रोवाइड हो जाता है। फ्रंट का जो बोनट है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर मिल जाता है, और ऊपर की साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी बटन आपको नहीं मिलता है, डमी बटन्स हैं, केवल एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर अपने लाइट थ्रो के एडजस्ट कर लेते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड जो आपको प्रोवाइड होता है वो ड्यूल टोन कलर के साथ प्रोवाइड होता है, ऊपर आपको हार्ड टॉप ब्लैक मिल जाता है, साइड में नीचे आपको जो मिलता है कॉफी कलर में आपको ये लेदरेट फिनिश के साथ मिल जाता है। यहाँ पे AC वेंट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है स्कॉर्पियो N की बैजिंग। इसी के नीचे आपको मिल जाता है एक ग्लव बॉक्स, ये ग्लव बॉक्स आपको पूरा का पूरा कूल्ड ग्लव बॉक्स है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आपको
टच स्क्रीन के साथ प्रोवाइड होता है, बहुत ही प्यारा टच रिस्पॉन्स है इसका। ये आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे आप अपना वॉल्यूम को यहाँ से अपना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आप अपने जो भी ट्यून है उनको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको म्यूजिक का सिस्टम मिल जाता है, कॉल ड्रॉप और अनड्रॉप का बटन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको होम का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं, कुछ फेवरेट्स के बटन यहाँ मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ से अपना एसी के मोड्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि अपना ऑटो का मोड मिल जाएगा आपको, और गाड़ी में हीटर वगैरह के मोड आपको यहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के नीचे कुछ कंट्रोल्स और मिल जाते हैं। एसओएस का बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाता है, एसओएस का बटन बहुत ही हेल्पफुल होता है, अगर गाड़ी आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करता है, पुलिस वगैरह का आपको डायरेक्टली इंडिकेशन पहुंचा देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरे का कंट्रोल, देखिए इसका आप कैमरे को बटन को दबाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, फ्रंट का व्यू दिखाएगा। यहाँ पे अडास मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको हजार लाइट मिल जाती है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, और ये बटन केवल डमी बटन है, यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं होता है। एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट और प्रोवाइड हो जाता है, जो कि मोबाइल चार्जिंग के लिए अपना सी पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड एयरबैग्स ऑन का बटन यहाँ पे देख मिल रहा है, नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। और ये गाड़ी आती है अपना 6 स्पीड गियर मैनुअल और 6 स्पीड गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो ये गाड़ी है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस तरीके से आपको इसका गियर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अपना थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है, 2 कप होल्डर यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। हैंड ब्रेक का जो फिनिश है वो भी बहुत प्यारी मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हैंड रेस्ट मिल जाता है, हैंड रेस्ट जो है वो अपना मूवेबल नहीं है, इसमें आपको पीछे की साइड में यहाँ पर अपना थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है, पर्स वगैरह आप यहाँ पे अपना कैरी कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा हैंड रेस्ट है। बात कर लेते हैं गाड़ी के जो सीट है, गाड़ी की सीट जो है पैसेंजर साइड में ये अपना इलेक्ट्रिकल मूवेबल नहीं है, इसको आप अपना मैनुअली ही आगे पीछे कर सकते हैं, पर लेकिन जो बात कर लेते गाड़ी के ड्राइवर साइड की सीट जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकल मूवेबल है। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। साइड में बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड डोर पे, पैसेंजर साइड डोर भी आपको ड्यूल टोल कलर के साथ प्रोवाइड होता है, ऊपर हार्ड टॉप ब्लैक मिल जाता है और ये नीचे मिल जाता है आपको कॉफी लेदरेट के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ये गाड़ी है बिग डैडी एसयूवी, तो हैंडल भी इसका बिग डैडी दिया गया है, बड़ा बहुत ही तगड़ा वाला हैंडल है जो कि आता है अपना सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है, अपना जो मिरर है उनको आप अपना इलेक्ट्रिकली अप एंड डाउन कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है सोनी का स्पीकर और ऊपर मिल जाता है अपना एक सोनी का बूफर। वैनिटी के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी मिरर प्रोवाइड नहीं होता है, टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड वैनिटी में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक मिरर और ऊपर की तरफ मिल जाती है लाइट, मिरर लाइट मिल जाती है और यहाँ पर टिकट होल्डर प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है और 2 सबवूफर ऊपर की साइड में भी एडजस्ट हो मिल जाते हैं आपको, यानी 16 स्पीकर इसमें मिलते हैं सोनी के। देखिए सोनी की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है स्पीकर में, तो मतलब देखा जाए तो साउंड वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है। IRVM जो आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है, रीडिंग लैंप जो है अपना दोनों साइड में अलग अलग अपना मिल जाती है, जो कि LED सेटअप के साथ आती है व्हाइट LED में। सनरूफ का बटन यहाँ से मिल जाता है, इसका सनरूफ ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो भाई सनरूफ ओपन होने के बाद देख लो बाहर से ऐसा लुक प्रोवाइड होता है गाड़ी के अंदर, ये देखिए बाहर का, जो मैं बाहर निकल गया हूँ इस समय और बाहर निकलने के बाद ऐसा लुक प्रोवाइड होता है। अब सनरूफ को कर देते हैं बंद, वन टच यहीं से अपना सनरूफ देखो बंद हो जाएगा यार। तो ये है इसका एक लग्जरी फीचर, तो ये है बिग डैडी SUV। तो भाई जो सनरूफ की जो ब्लाइंड्स है ना इनको यार हाथ से बंद करना पड़ता है, यही इसका थोड़ा सा है ना नेगेटिव फीचर मुझे लगता है, अगर इसको भी इलेक्ट्रॉनिक मूवेबल दे देते तो यार ये अच्छा हो जाता। तो भाई ये है इसका पूरा का पूरा फ्रंट का लुक, एड्रेस जो है इसको अपना मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये इसका ओवरऑल लुक प्रोवाइड होता है फ्रंट से। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के सेकंड रो में और सेकंड रो में देखते हैं गाड़ी अपने को क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है और कितना स्पेस गाड़ी में सेकंड रो में अपने को मिल जाता है। सेकंड रो में एंटर करने से पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के डोर पैनल पे, सेम तो डोर पैनल पे भी आपको वही ड्यूल टोन कलर का डोर पैनल आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर मिलता है ग्रैप हैंडल जो कि आता है सिल्वर पियानो फिनिश के साथ में, और यहाँ पर आपको मिल जाती है ब्लैक सिल्वर पियानो फिनिश, इसी के साथ आपको यहाँ पे मिरर इलेक्ट्रिकली अपना अप डाउन का बटन मिल जाता है, और ये पूरा का पूरा लेदरेट फिनिश के साथ आपको प्रोवाइड होता है, जो कि एक मैसिव लुक प्रोवाइड करता है गाड़ी को। साथ ही साथ यहाँ पे 1 लीटर होल्डर बोटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है और एक सोनी का स्पीकर आपको यहाँ प्रोवाइड होता है। चलते हैं गाड़ी के सेकंड रो में, देखते हैं कितना स्पेस गाड़ी अपने को प्रोवाइड करती है, क्या कम्फर्ट देती है।
तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ गाड़ी के सेकंड रो में। तो सेकंड रो में आने के बाद देख लो इस तरीके का अपने को कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है गाड़ी में यार, कंफर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा है। तो थाई सपोर्ट पूरा मिलता है, थाई सपोर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया गाड़ी के अंदर। और इसका जो लेदरेट फिनिश के साथ ये सीटें आपको प्रोवाइड होती हैं, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि अपना मूवेबल और एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। स्पेस के मामले में देखा जाए तो गाड़ी में सेकंड रो में बहुत ही कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो मटेरियल है यार बहुत ही प्यारा है, गाड़ी एकदम नई है, अभी डिलीवर होके आई है, केवल एक हफ्ता हुआ है गाड़ी को डिलीवर हुए, तो गाड़ी के अंदर एक स्मेल आ रही है जो न्यू गाड़ी की स्मेल होती है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है अपने को। ये कप होल्डर के साथ आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है सेकंड रो में पैसेंजर साइड पे, तो तीन बंदे आराम से इजिली बैठ के गाड़ी के अंदर सफर कर सकते हैं। इसमें सेकंड रो वालों के लिए यहाँ पर आपको एसी वेंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं जो कि स्क्वायर शेप में आते हैं, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप मिल जाती है सिल्वर पियानो फिनिश की, और नीचे की तरफ आपको इसके थ्रो कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से अपना अपने अकॉर्डिंगली इसकी थ्रो को कंट्रोल कर सकते हैं, और चार्जिंग ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है सी पोर्ट का। तो ये है इसका ओवरऑल लुक बैक साइड से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ग्रैप हैंडल प्रोवाइड हो जाता है जो कि कोट हुक के साथ आता है, एक ग्रैप हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि कोट हुक के साथ आपको प्रोवाइड होता है। एयरबैग की देखिए बैजिंग है कि आपको यहाँ मिल जाती है, सेम एयरबैग की बैजिंग फ्रंट में पिलर पे मिल जाती है, ए पिलर पर, बी पिलर पर मिल जाती है आपको, सेम साइड आपको पैसेंजर साइड पर ए पिलर पर और बी पिलर पर भी आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, और सी पिलर में भी आपको एयरबैग मिल जा रहे हैं। तो सेकंड रो से देख लो ड्राइवर साइड कैबिन आपको किस तरीके से लगता है, और डैशबोर्ड कितना प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, एकदम ह्यूज साइज जो है इसका डैशबोर्ड दिखता है पीछे से, और लग्जरी लग्जरी फील होता है। और स्पेस वाइज देखा जाए तो ड्राइवर साइड कैबिन में ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्पेस है, और इस गाड़ी के अंदर है ना यही खासियत है कि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस मिलता है अपने। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बिग डैडी एसयूवी के थर्ड रो में अब चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर अपने को प्रोवाइड होते हैं। तो भाई अब आ गए थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए देखो क्या होता है यार, ये सेवन सीटर गाड़ियां जो होती हैं उनके अंदर ना थर्ड रो में जाने के लिए कोई अलग से डोर नहीं मिलता, तो सेकंड रो में ही आपको क्या है एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ लीवर दिया गया है, इस लीवर को प्रेस करेंगे और ये वन टच पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना एंटर कर सकते हैं थर्ड रो के लिए। तो थर्ड रो में आ जाते हैं, थर्ड रो के अंदर देखिए ये पूरा का पूरा सीट अपने को प्रोवाइड होती है। थर्ड रो में आने के बाद में अपने को क्या है कि पीछे की साइड में स्पेस बहुत कम प्रोवाइड, तो थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं देखिए मैं हूँ थर्ड रो में, तो मेरी ना टांगे जो है वो पूरी की पूरी अटक रही है, मेरी जो हाइट है वो 5.5 फुट के करीब है, तो उस हिसाब से अगर बम्प आता है तो मेरा सर यहाँ पर लग सकता है। रीडिंग लैंप यहाँ प्रोवाइड हो जाती है सेकंड रो वालों को, और थर्ड रो वालों को भी यहाँ पर एक रीडिंग लैंप प्रोवाइड की है, जैसे SUV 700 में प्रोवाइड होती है वही सेम यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। पीछे की साइड में भी आपको दो स्पीकर प्रोवाइड हो जाते हैं लास्ट रो पे, और यहाँ पे आपको एक ग्रैप हैंडल मिल जाता है विदाउट पोर्ट हुक के साथ में। थर्ड रो में आपको यहाँ पर अपना एक कॉइन वगैरह रखने का स्पेस प्रोवाइड हो जा रहा है। लास्ट साइड में यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट अपने को प्रोवाइड होता है। भाई थर्ड रो में इतना स्पेस अपने को प्रोवाइड हो रहा है, नॉर्मली स्पेस मिल रहा है जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आप बैठ के आराम से इजीली सफर कर सकते हैं, पर लेकिन जो मेरे साइज के अडल्ट हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी रो बनी हुई नहीं है, कि कंफर्ट बहुत कम है। पर हाँ थोड़ी बहुत दूर अगर आपको जाना है 15-20 किलोमीटर की अगर आप ड्राइविंग पे, तो आप इजिली जा सकते हैं सफर कर सकते हैं, पर लेकिन ज्यादा लंबे सफर पर जाने के लिए इसमें कोई भी मतलब कंफर्ट नहीं है थर्ड रो में। थर्ड रो से जो फ्रंट रो पे आपको किस तरीके का लुक प्रोवाइड होता है, तो भाई देख लो इतना स्पेस मिलता है गाड़ी के अंदर, और सामने का जो लुक है वो इस तरीके का आ रहा है यार। तो भाई ये है गाड़ी का टॉप मॉडल ZL ये मॉडल है जो कि आता है पेट्रोल वर्जन के साथ में। तो पेट्रोल में ये गाड़ी आती है रियल व्हील ड्राइव के साथ में, अगर आप इसमें 4x4 लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा डीजल 4Xplor, तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये पेट्रोल वर्जन गाड़ी है, तो इसका जो प्राइस है वो अपना अराउंड पड़ता है 26 लाख के। भाई बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी एसयूवी के पेट्रोल वर्जन की, तो ये गाड़ी आती है ZL टॉप मॉडल है जिसमें आपको मिलता है 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अपना 200 BHP और 370 Nm की टॉर्क, और ये आती है गाड़ी रियल व्हील ड्राइव के साथ में। अगर आप इसी में आप जाते हैं 4x4 के लिए तो वो होगा डीजल इंजन जो कि आता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। तो भाई ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बिग डैडी एसयूवी का ओवरऑल वॉक अराउंड और ओवरऑल रिव्यू। आपको कैसा लगा इस गाड़ी का रिव्यू और कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और किस कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, और गाड़ी में आपको क्या पॉजिटिव लगा क्या नेगेटिव लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।